यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हाथ उठाने से दोनों पक्ष में ये होगा कि कौन हाथ उठाएगा तो किसका दुश्मन बनेगा सर, बात हुआ इसी पर हम से गाली गलौज करना शुरू कर दिया और धमकी भी दी गई क्या? जी धमकी भी दी गई इसके द्वारा राम जी यादव द्वारा ग्राम प्रधान हो जाओ या हमको धमकाया जा रहा है कि आपको हम हाथ उठवाएंगे जबरदस्ती गुप्त मतदान नहीं होंगे, हमारे वर्तमान प्रधान है जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे। मेरी जनता कह रही है कि नहीं गुप्त मतदान किया जाए, हमको दबाया जा रहा है कि आपको जेल भेजवा देंगे आपको मरवा देंगे, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। एक बार साइन करवाया जा रहा है, मेरी जनता से पूछा जाए, मेरी जनता जो साइन करे सर तभी उसको माना जाए, जबरदस्ती कराया जा रहा है, झगड़ा बढ़ा जा रहा है सर, बवाल बढ़ा जा रहा है, कोई खतरे के डर है सर या कुछ भी घटना हो सकती है, खतरा कोई होता तभी नहीं दबाव दिया ताकि नहीं छोटा के दबाव दे कभी हाथ उठावल नहीं तो हम लोग हमने का दबाव से हाथ ना उठाए जाए, इससे कि कोई हमने के खर्ची नहीं कर दे, कोई दुर्गा नहीं कर कोई रोटी नहीं कर दे, समझे तो नहीं ना, राशन कटवा दे तोहके आवास ना दे तोहके मने गरीब बन तो जहाँ तोहके भेटत तो हमारा मतलब तोहके जेल धराए के विषय में हाथ खुला मीटिंग करे बाहर हाथ उठा के बैठे जनता का की बात हाथ उठा के भाई हाथ उठा के बोलेगा बा तो अगला पक्ष विरोध कर रहा है कि हाथ उठा करके नहीं होना चाहिए, इसमें जान माल की दिक्कत हो सकती है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, हम लोग चयन में अनियमितता है तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।